हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल घर का स्वाद में। आज हम बनाएंगे नान, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नान बनेगा। ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बना है और बनाना भी बहुत ही सिंपल है। हम इसे गैस पे बनाएंगे और वो भी रोज वाली रोटी के तवे पे, जो लोहे का तवा होता है अपने पास रोटी बनाने वाला, उसी में हम इस नान को बनाएंगे। ये देखिए, सारे नान बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं और इस तरह से बनाना बहुत ही इजी है। और आप इस तरह से अपने घर में, सिंपल रेसिपी है ये, उस तरह से बना सकते हैं आप। हम जो बाहर जाके होटल में नान खाते हैं, ये देखिए सेम इसी तरह का होता है और इतना ही सॉफ्ट होता है वो। इसमें मैंने अभी बटर नहीं लगा रखा है। ये देखिए, बिना बटर के ही इतना सॉफ्ट नान बना है ये। आप तुरंत बना के इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, इतना सॉफ्ट नान तो बाहर भी नहीं मिलता है, वहाँ पे भी थोड़ा सा कड़क होता है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम है। चलिए नान बनाना शुरू करते हैं। उसकी सबसे पहले प्रोसेस क्या है, ये आटा लगाना होता है। मैं सबसे पहले आटा लगाने के लिए, मैंने ये आधा घंटा पहले ही आटा लगा के रख दिया था। आधा इसको मैंने 2 कप मैदा लिया है, या आपको जितना नान बनाने उसके हिसाब से मैदा लीजिए। आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच दही, 1 चम्मच नमक और 2 बड़ी चम्मच दही, और 1 कप लीजिए दूध। हमें फिर पूरा आटा दूध से ही गूंथना है, हमें इसमें पानी नहीं डालना है। एकदम सॉफ्ट डो भी नहीं बनाना है, एकदम टाइट भी नहीं, बिल्कुल जैसे हम रोटी के लिए नॉर्मल आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें आटा लगा के तैयार करना होता है इसके लिए। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से आटा सेट हुआ है। आधा घंटा पहले लगा के मैंने ढक के रख दिया था इसे। अब हम इसे इस तरह से लोई बनाएंगे इसकी। बहुत ही आराम से लोई बन जा रही है, देखिए आटा बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार हुआ है। हमें इस तरह से लोई बना के तैयार करनी है। हम सारी लोई इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी लोई बना दी है, मैंने इतनी बड़ी लोई बनाई है। हम इसके हिसाब से ही नान बनाएंगे। आपको जैसे छोटे बड़े नान बनाने हैं उसके हिसाब से लोई लीजिए। अब हमने एक चकला ले लिया है और इस पे हम डालेंगे सूखा मैदा थोड़ा सा, और एक लोई रखेंगे। अब हम इसके ऊपर से और बेलेंगे हम इसे। ये देखिए, बहुत ही आराम से बेला जा रहा है। ये आटा बिल्कुल परफेक्ट बना है। आटे को आधे घंटे पहले ही हमें लगाना है, इसलिए आटा अच्छे से सेट होता है। हमें इसे ज्यादा पतला भी नहीं बनाना है, ये देखिए ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है हमें इसे। ये मैंने पूरी नान बेल के तैयार कर ली है। ये देखिए, इतनी मोटी होनी चाहिए। अब हम थोड़ा सा काले तेल लिए हैं मैंने, इसके ऊपर लगा देंगे, इस तरह से बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर लगा देंगे, पूरे नान के ऊपर बहुत ही सुंदर लगता है, इस तरह से लगाना चाहिए। अब हम हल्का सा इसे फिर से दबा देते हैं इस तरह से बेलन से, ये अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा। ये देखिए, पूरा अच्छे से चिपक गया। अब हम इसे निकाल के पलटेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर से पानी लगा देंगे, पूरे नान के ऊपर अच्छे से पानी लगाएंगे। तो ये हमें तवे पे चिपकाना होता है, इसीलिए हम इसके ऊपर अच्छे से पानी लगा लेंगे।
धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लगाएं, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ये नान ऊपर से ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। हल्का सा लगाना है, लेकिन पूरे नान के ऊपर ही हमें लगाना है इसे। ये देखिए मैंने पूरे नान के ऊपर अच्छे से पानी लगा दिया है, इतना ही लगाना है हमें, और पूरा अच्छे से प्लेन कर लेना है इसे। अब इधर मैंने ये लोहे का तवा रखा है, ये देखिए ये गर्म हो गया है अच्छे से। हम इसके ऊपर इस तरह से नान डाल देंगे। हमने जो पानी लगा रखा है उस तरफ से हम नीचे करेंगे, और जिस तरफ से हमने धनिया और तिल लगा रखे हैं ये ऊपर की साइड करना है। अब हम इसे मीडियम गैस पर 2 मिनट सिकने देंगे। ये देखिए ये फूलने लग गया है अच्छे से। हमें इसे धीरे धीरे मीडियम गैस पे ही पकने देना है। अब हम इस तवे को इस तरह से उठाएंगे और डायरेक्ट गैस के ऊपर इसे उल्टा करके लगा देंगे। क्या है, हम गैस के ऊपर उल्टा लगाएंगे तो हमें ये नान इसी तरह से सेकना है, इसीलिए हमें पानी लगाना होता है नान के ऊपर। अब हम इसे गैस का फ्लेम एकदम फुल करेंगे और इसको गैस के ऊपर तवे को डायरेक्ट उल्टा करके पूरी नान को हम धीरे धीरे इस तरह से तवे को घुमाते हुए सेक लेंगे अच्छे से। ये देखिए पूरा अच्छे से हमने इसे सेक लिया है, तो ये अच्छे से, अभी थोड़ा सा और सीखना बाकी है इस तरह। हम इसे थोड़ा सा और इस तरह से, ये देखिए बहुत ही आसानी से सीख जाता है। गैस का फ्लेम हमें फुल करना है और थोड़ा सा गैस से दूर रखना है तवे को। अब ये देखिए पूरा नान पक के तैयार हो गया है दोनों तरफ से। उस तरफ से हमने तो चिपकाया था, वो पहले ही पक गया है। अब हम ये स्पैचुला से इसे निकालेंगे तवे से इस तरह से। ये देखिए अगर हम पानी नहीं लगाते तो ये तवे से नीचे गिर जाता उल्टा करने में। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल गया है ये। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छे से तैयार हुआ है और कितना सॉफ्ट भी हुआ है। इसी तरह से हम ये देखिए सारे नान बना लेंगे और ये तैयार है। ये देखिए हमने सारे नान बना के तैयार कर लिए हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, ये देख सकते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं सारे नान, देखिए। और पीछे से देखिए, ये देखिए एकदम होटल के जैसे नान बनके तैयार हुए हैं।